हमीरपुर जिला मुख्यालय के साथ लगते पक्काप्रो कस्बे में स्थित शराब ठेके को हटाने के लिए क्षेत्र के 3 गांवों के लोगों ने अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर रतन गौतम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मटाणी, दुड़ूही और जनियारा के ग्रामीणों ने अतिरिक्त उपायुक्त से कस्बे के शराब ठेके को हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया है कि अगर 2 दिन के अंदर शराब ठेका नहीं हटाया गया तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि ठेके के पास आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। शराब ठेका सरकारी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में भी आता है। ठेके के 20 मीटर के दायरे में अस्पताल भी है। ठेका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय पैरामीटर के दायरे में नहीं आता है। सोमवार रात को भी राजेंद्र सिंह निवासी जनियारा के साथ ठेका के पास कुछ युवकों ने मारपीट की थी। लड़के जो थे वो मटाणी में ट्रॉफी लगी हुई है, रात को वहाँ जा रहे थे ट्रॉफी में, लेकिन ठेके पर कुछ लोगों ने शरारती तत्वों ने शराब पी रखी थी और हमारे लड़के को, राजू नाम के लड़के को, उन्होंने सड़क के बीच से उठा लिया और ठेके के अंदर ले जाकर उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसके छोटे भाई को भी टांगों में उन्होंने, पता नहीं कहाँ से भाग के आए हुए थे और उनके छोटे भाई के ऊपर भी अटैक किया हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो शराबी हैं, हमारे जंगलों में भी शराब पीते हैं और पुलिस प्रशासन भी उनसे परेशान है और ये ठेका जो है वो बंद होना चाहिए। हमारी पंचायत के लगते हुए वो ठेका है, आस्था हॉस्पिटल साथ है, वो ठेका बंद होना चाहिए। आज हम ADC साहब से मिले हुए हैं, उनसे 2 दिन का हमने टाइम मांगा हुआ है। अगर 2 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो हम ठेके को ऊपर धरना देंगे, ठेके को हम ताला लगवा सकते हैं। लोगों की मांग है कि इस मारपीट में शामिल युवकों को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि पक्काप्रो शराब ठेके के कारण यहां आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसलिए ठेके को कस्बे से हटाया जाए। लोगों ने 2 दिनों के भीतर ठेका बंद न करने की सूरत में पक्काप्रो में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर जोगेंद्र सिंह, रमन कुमार, राजीव कुमार, रजनीश ठाकुर, रवि कुमार, विशाल ठाकुर, अनिल, रोहित, रितेश, वीरेंद्र सिंह, पंकज सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। जो वहाँ पे जो लड़के हमारे जा रहे थे, पता नहीं वो ठेके के वर्कर थे कि जो भी थे ना, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया तो हमें तो बहुत मुश्किल है। वहाँ पे जहाँ ठेका जल्दी जल्दी बंद नहीं हुआ तो हम बहुत परेशान है। बाकी वहाँ पे हॉस्पिटल है, बस स्टॉप है, स्कूल है, तो वहाँ हॉस्पिटल के लिए लेडी जाती है, अकेला भी जाना पड़ता है, तो वहाँ हमें बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर जो हमने एप्लीकेशन दी, 2 दिन का टाइम मांगा, वो कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना देंगे वहाँ। जी, FIR दर्ज कर ली थी, कल तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, मतलब कल हमने फिर खबर हमारे से कुछ ये किया, तब पुलिस इसमें आई है हरकत में। अब देखते हैं, उन्होंने बोला एक आधा दिन में हम मतलब उनका पता लगाते हैं। कल तो वो खुले आम घूम रहे थे, मतलब गाड़ी लेके, और ऐसा भी मुझे पता लगा कि वो बोल रहे थे हम एक दिन हो गया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी पुलिस। उसके बाद हमने खबर में तभी किया ही है, तभी SSO साहब आए वहाँ और उन्होंने मतलब ये दिया, जायजा लिया और बोला कि रिस्पॉन्स मिलेगा एक दिन में आपको।